यूपी में एक रिनाउंड कॉलेज है IIIT लखनऊ, और आज हम IIIT लखनऊ के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि यहाँ पर कैसे एडमिशन होता है, कितनी ब्रांचेज अवेलेबल हैं, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, और साथ साथ में यहाँ पर एडमिशन में कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्योंकि रिसेंटली आपका आगे जोसा की काउंसलिंग होने वाली है और जोसा की काउंसलिंग में आपको ये कॉलेज ऑप्शन मिलेगा। तो ये कॉलेज आपको कितनी रैंक तक मिल सकता है और साथ साथ में यहाँ का प्लेसमेंट क्या है, अगर आप इसको किसी दूसरे IIIT से कंपेयर करोगे तो कितना ये वर्थेड होगा, अगर आपकी स्कोरिंग अच्छी है और आपको ये कॉलेज ऑप्शन में मिल रहा है, या एटलीस्ट आप इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के नियर बाई हो, तो आपको किस नंबर पे इस कॉलेज चॉइस फिलिंग में रखना चाहिए, इसको टॉप प्रायोरिटी में रखना चाहिए या इसको कुछ कॉलेजेस के बाद में रखना चाहिए, ये सारी चीजें आप डिसाइड कर पाओगे। तो शुरू करते हैं IIIT लखनऊ के बारे में इन्फॉर्मेशन, और अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, इंजीनियरिंग काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। तो सुनिए, IIIT लखनऊ जो कि काफी नया कॉलेज है ना, ये 2015 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो बहुत पुराना कॉलेज नहीं है, बट स्टिल इसके प्लेसमेंट बहुत अमेजिंग है। प्लेसमेंट्स की वजह से इसकी कट ऑफ हाई रहती है, बहुत सारे बच्चे इसको टॉप प्रायोरिटी में फिल भी करते हैं, और स्पेशली जो कैंडिडेट यूपी स्टेट से आते हैं, और अगर आपकी स्कोरिंग 95+ परसेंटाइल है, तो फिलहाल एक बार देखते हैं इस कॉलेज के कंप्लीट डिटेल। IIIT लखनऊ 2015 एस्टैब्लिशमेंट है, और जितने भी आपके IIITs हैं उनको लेकर के बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि क्या सर ये कॉलेजेस IIIT कॉलेज प्राइवेट कॉलेज होते हैं, तो बेसिकली ये प्राइवेट कॉलेज नहीं होते हैं, ये गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से नहीं होते हैं, ये IIIP मॉडल पे काम करते हैं, जो कि गवर्नमेंट का एक नया कहीं ना कहीं प्रोसेस है, नए तरीके से, जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम से इनको IIIP मॉडल बोला जाता है, जिसमें बेसिकली आप इसको सेमी गवर्नमेंट के टाइप आप कंसिडर कर सकते हो कि कॉलेजेस सेमी गवर्नमेंट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। इसमें पब्लिक सेक्टर भी होता है, साथ साथ में आपका गवर्नमेंट का भी अपना सारा कुछ रूल और रेगुलेशन रहते हैं। कैंपस एरिया की बात करें, 50 एकर्स का कैंपस एरिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रांचेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर 50 एकर्स का कैंपस एरिया एक पर्याप्त कैंपस एरिया, इनफ कैंपस एरिया है, ठीक है। लखनऊ लोकेशन है, और लोकेशन भी आपको काफी अच्छी मिल जाती है, तो इसलिए कॉलेज ओवरऑल कनेक्टिविटी लोकेशन के मामले में आपको एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा यूपी स्टेट के अंदर। अगर अदर स्टेट से भी आने वाले कैंडिडेट हैं तो आप लोग भी इस कॉलेज को अपने ऑप्शन में रख सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से हो, जोसा की काउंसलिंग में आप इस कॉलेज को फिल कर सकते हैं, और इट कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू ऑल्सो। अगर हम बात करें, लोकेशन बेसिकली लखनऊ है। अब ब्रांचेस, तो ब्रांच आपको ये चार ब्रांचेज इस कॉलेज के अंदर मिलने वाली है, ज्यादातर IIITs में कोर ब्रांचेज नहीं होती है, मेनली कंप्यूटर साइंस, CS, IT, EC जैसी ब्रांचेज मिलेंगी। एक आपकी ब्रांच और है जिसको हम मैकेट्रॉनिक्स बोलते हैं, तो कुछ कॉलेजेस में आपको मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है, कुछ जगह पे आपको मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच मिल जाएगी, बट मोस्टली जगह पे आपको CSE, IT, EC के लिए आपको ब्रांचेज यहाँ पे मिलती हैं। तो अगर आपका टारगेट है कि हमें ब्रांच CSE में जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, तो उसके लिए आपको IIITs को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। वैसे तो ये एक IIITs को मतलब आप टारगेट कर सकते हो, CSE, IT ब्रांच इनमें आपकी अवेलेबल रहती है, तो जो जो भी कॉलेजेस आपकी कट ऑफ की रेंज में आते हैं उनको आप टारगेट कर सकते हो। और इसके साथ साथ अगर आपको आपकी रैंक या परसेंटाइल के बेसिस पे जानना है कि कौन कौन से कॉलेज एग्जैक्टली आपको मिलेंगे, या जूसा काउंसलिंग में आपको कैसे काउंसलिंग करनी चाहिए, तो इसके लिए कंप्लीट गाइडेंस के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर्स अवेलेबल हैं, हमारी टीम से आप कॉल करके फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं, वो आपको कंप्लीटली काउंसलिंग के बारे में, इनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में गाइड करेंगे, आपकी रैंक पे कहां कहां पे कौन कौन से कॉलेज ऑप्शन मिल सकते हैं, ये सारी चीजें भी आपको हमारी टीम से बताई जाएंगी, और ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आगे पेड काउंसलिंग प्रोग्राम में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आगे आप ज्वाइन कर सकते हो, पर गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट आप गाइडेंस यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ पे सभी में 60 सीट्स का इंटेक है ना, 60 सीट्स का इंटेक है, केवल 60 सीट्स आपको मिलेंगे हर एक ब्रांच में, तो यहाँ पर इंटेक काफी लिमिटेड हो जाता है, बहुत कम सीट्स का इंटेक है, बहुत ही लिमिटेड सीट्स का इंटेक है। टोटल यहाँ पे आपको चार ब्रांचेज मिलती है, एक आपका कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस है, ठीक है, सेकेंड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, थर्ड आपका कंप्यूटर साइंस है, फोर्थ आपका कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ओवरऑल CS से रिलेटेड ब्रांचेज ही सिर्फ आपको देखने को मिलती है, कोई भी कोर ब्रांच या अदर ब्रांच यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें टोटल फीस की, तो फीस में थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन है, ये फीस जो है ये लास्ट ईयर आपका 21 बैच का फीस है। अगर मैं लेटेस्ट फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो IIITs थोड़े से महंगे रहते हैं, IIITs में कहीं ना कहीं फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपेरेटिवली GFTI कॉलेजेस, कंपेरेटिवली आपका NITs। तो IIIT में यहाँ पर लखनऊ में अगर आपको पढ़ना है तो लगभग आपकी जो IIIT लखनऊ में जो आपकी फीस लगने वाली है वो टोटल मान के चलिए समथिंग 13 लाख के आसपास आपका टोटल ट्यूशन फीस वगैरह लग रहा होगा। टोटल चार ईयर का जो फीस लगेगा चार साल में वो 13 लाख के आसपास आपकी फीस यहाँ पे लगने वाली है। 12,37,000 समथिंग फीस था, जिसको मैंने राउंड फिगर में यहाँ पे 13 लाख के आसपास का आपका टोटल फीस आएगा। तो ओवरऑल आपका लगभग 3 लाख के अराउंड ईयरली जो है एक्सपेंस आपका आने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई एडमिशन कैसे होगा। तो बेसिकली जोसा की काउंसलिंग से एडमिशन होगा, जोसा में भी पार्टिसिपेट करेगा ये कॉलेज, सीसैप की काउंसलिंग में भी ये कॉलेज आपको मिलेगा। सीसैप में सारी सीट्स आपका ऑल इंडिया कोटा से फिल होती हैं, तो ओपन हो जाता है, वहां पे कैटेगरी नहीं लगती है। सीसैप काउंसलिंग में कोई भी कैटेगरी नहीं लगेगी, जबकि जोसा की अगर हम बात करेंगे तो जोसा में कैटेगरी रैंक से अलॉटमेंट होता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है जोसा और सीसैप की काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें, एवरेज पैकेज लगभग क्या रहने वाला है, तो यार एवरेज पैकेज यहाँ पे 30 लाख का एवरेज पैकेज आपको देखने को मिलता है। और एवरेज पैकेज कैलकुलेट करने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है। जैसे आपका जो हाईएस्ट पैकेज होगा, ठीक है, हाईएस्ट प्लस जो भी पैकेजेस आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट प्लेस हुए होंगे और जितना भी पैकेज लगा होगा उससे डिवाइड करके एवरेज पैकेज आपका निकाला जाता है। जिस वजह से एवरेज पैकेज के साथ साथ हाईएस्ट पैकेज जो है यहाँ पर 59 एलपीए का रहा है, जो कि अपने आप में एक अच्छा नंबर है, दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस कॉलेज में प्लेसमेंट अच्छे होते हैं। तो मेनली चूंकि कंप्यूटर साइंस ब्रांच ही है सर, इसलिए ओवरऑल जो कॉलेज का एवरेज पैकेज होगा वो तो अच्छा होना ही है ना। अदर ब्रांचेस होती है तो वहां पर प्लेसमेंट रेशियो थोड़ा सा कम भी रहता है, कोर ब्रांच में कई बार प्लेसमेंट कम चला जाता है, तो फिर जब हम एवरेज कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर एवरेज पैकेज जो है आपका एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउन हो जाता है या कम हो जाता है। तो ये आपको अभी एक अच्छा नंबर आपको दिख रहा है ऑन एन एवरेज, मतलब आप अगर कॉलेज में हो, स्टडीज कर रहे हो, तो आपको लगभग इतने एलपीए का पैकेज यहाँ पे मिलेगा, जो कि अपना आप बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, जनरली ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह में भी आपको 22-23 लाख का पैकेज देखने को मिलता है, बट यहाँ पे चूंकि सीएस ब्रांचेस की वजह से आपको ये पैकेज आ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट पैकेज 59 एलपीए, 100% प्लेसमेंट है इस कॉलेज में। साथ साथ में जो टॉप 20% वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, टॉप 20% फॉर एग्जांपल टोटल इनटेक का 20% आप मान के चलो, जो भी बच्चे बैच में पूरे होंगे, जैसे कि आपके अगर यहाँ पे 4 ब्रांचेज हैं और 60 सीट्स का इनटेक है, तो उसके अकॉर्डिंग लगभग यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होंगे ऑलमोस्ट 240 कैंडिडेट्स होंगे। तो 240 कैंडिडेट्स में से अगर हम टॉप 20% लेते हैं तो लगभग 45 स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 40-45 स्टूडेंट्स के अराउंड में जो बच्चे होंगे, इतने स्टूडेंट्स का जो एवरेज पैकेज रहता है वो 42 एलपीए का रहता है, 42 के आसपास आपका एवरेज पैकेज जाता है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, प्लेसमेंट बहुत स्पेशल है, बहुत अच्छा है, और यही रीजन है कि यहाँ की कट ऑफ भी बहुत ज्यादा हाई रहती है। ठीक है, अगर रिक्रूटर्स की बात करें तो डेफिनेटली यार इतना अच्छा कॉलेज है, टॉप कैटेगरी का कॉलेज है, तो ऑलमोस्ट सारे जो बड़े रिक्रूटर्स हैं वो यहाँ पे आते हैं। गूगल जैसी कंपनीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, फ्लिपकार्ट, एको, इंटेल, है ना, और बहुत सारी कंपनीज आप देख सकते हो, ये सारी बड़ी कंपनीज हैं, एमएनसीज हैं, तो प्लेसमेंट होना ही अपने आप में स्पेशल हो जाता है। पैकेज तो मैटर ही नहीं करता है अगर आपका गूगल जैसी कंपनी में, अमेजोन जैसी कंपनी में प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, कैप जर्नी है, गोल्डमैन सैच है और इन्फो एज, ठीक है, ये सब बहुत अच्छी कंपनीज है, पेटीएम है, जियो है, तो ये सारी कंपनीज कैंपस में आपको एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। तो अगर इनमें से कोई आपकी ड्रीम कंपनी है कि यार मेरे को गूगल में जाना है, मुझे अदर कंपनीज में जाना है, तो डेफिनेटली आपको वो ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चूंकि कैंपस में इनटेक कम है, उसके हिसाब से इनका इंफ्रास्ट्रक्चर एक ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। ठीक है, सारी फैसिलिटीज कैंपस में मिल जाती हैं। ठीक है, और मोस्टली जो भी आपके टॉप कॉलेजेस हैं जिनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छे होते हैं, वहां पर एचएस इंफ्रा की कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादातर कॉलेजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा मिलता है। तो फिलहाल ये ओवरव्यू था ट्रिपल आई टी लखनऊ के बारे में। तो जैसे कि अभी काउंसलिंग की एडमिशन, आपका मोड ऑफ एडमिशन जूसा की काउंसलिंग है, लेकिन जूसा के बाद आपका जो लास्ट में जो भी सीटें वैकेंट रहती हैं उनके लिए एक सीसैप काउंसलिंग होती है। अब सीसैप की काउंसलिंग में जब ये कॉलेज पार्टिसिपेट करता है तो यहाँ का जो ऑफिशियल डेटा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि सीसैप की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, आप लोग भी csap.nic.in पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर सारे कॉलेजेस का डेटा आपको अवेलेबल मिल जाता है, बस थोड़ा सा चेक करने में आपको आसानी हो, या मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लगभग कितना क्या कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, तो जब आप वेबसाइट पे आएंगे या डेटा चेक करने के लिए, तो यहाँ पर आपको एक कोटा मिलेगा कि भाई स्टेट कोटा है या आपका ऑल इंडिया कोटा है। तो बेसिकली चूंकि सीसैप राउंड है तो यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा कंसीडर होगा। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के साथ साथ अब यहाँ पर एक सीट टाइप की किस कैटेगरी के स्टूडेंट को सीट मिल रही है, और ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है, जोसा नहीं है, ये सीसैप में चूंकि ऑल इंडिया रैंक ही यूज होती है, तो ये आपका ऑल इंडिया रैंक है, यहाँ पर ये कैटेगरी रैंक नहीं है, जबकि जोसा में हमारी जो रैंक यूज होती है वो कैटेगरी रैंक यूज होती है। अब यहाँ पर देखिए सीएसई में सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, जो यहाँ पर केवल कंप्यूटर साइंस है, उसका जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस के लिए 26,000 कट ऑफ रहा है, 26,000 के अराउंड अगर आपकी रैंक है ईडब्ल्यूएस में, जनरल रैंक आपकी जो सीआरएल होगी वो 26 के अराउंड है, तो आपको यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल पा रही होगी, जो एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस है। ठीक है, ओबीसी एनसीएल के लिए 17,373 पे क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका अगर एसटी कैटेगरी है तो एसटी कैटेगरी वाले बच्चे को काफी ज्यादा रैंक तक एडमिशन मिला है,
153,685 रैंक तक एडमिशन मिला है। तो यहाँ पर 1.5 लाख के आसपास भी अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो आपको आराम से एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। बट जबकि कंपेटिटिवली जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए काफी ज्यादा ये कॉलेज कॉम्पिटेटिव दिख रहा है। 17,000 के अराउंड क्लोजिंग है ओबीसी में, तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा टफ है यहाँ पे एडमिशन का मिल पाना, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें अदर जो सीएससी एआई ब्रांच है उसमें आपको 11,000 पे क्लोजिंग हो गई है, 11,541 रैंक पे। ईडब्ल्यूएस के लिए जो सीएससी एआई है वहां पे भी 13,000 पे क्लोज है। देन एसटी कैटेगरी में फिर आपको 1,14,000 तक आपको सीएस एआई भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस, तो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस का जो कट ऑफ है वो आपका 14,000 है जनरल के लिए, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस फीमेल कैटेगरी के बच्चे हो तो फीमेल वाले बच्चों के लिए देखो थोड़ा सा और एक्सटेंड हुआ है, 34,000 तक फीमेल बच्चे को, फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में अगर कोई बच्चा है तो उसको यहाँ पे 34,000 रैंक तक एडमिशन मिल रहा है। तो ईडब्ल्यूएस में स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के जो बच्चे हैं उनके लिए 34 एक्सटेंड किया है, काफी एक कंपेरेटिवली आपको ज्यादा रैंक पे एडमिशन मिल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको अपनी आप चॉइस फिलिंग में रख सकते हैं। 35-40,000 वाले जो कैंडिडेट हैं वो भी इस कॉलेज को प्रायोरिटी ऑप्शन में रख सकते हैं, और स्पेशली जो यूपी कैंडिडेट्स हैं वो इसको ले सकते हैं ऑप्शन में। नेक्स्ट आपका एससी कैटेगरी में 94,000 तक आपको सीएससी एआई ब्रांच मिल रहा है, बिजनेस वाला ब्रांच मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम आईटी की बात करें तो आईटी में कहाँ तक आपको एडमिशन मिल रहा है, आईटी में ओपन कैटेगरी होम स्टेट या अदर स्टेट कहीं का भी बच्चा होगा, ऑल इंडिया कोटा आ चुकी तो कहीं का भी कैंडिडेट कंसीडर हो सकता है। आईटी ब्रांच में 14,000 पे कॉलेज क्लोज हुआ है, लास्ट में 14,000 रैंक तक एडमिशन मिला है। ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस के बच्चे को सीआरएल रैंक पे 17,000 समथिंग रैंक पे एडमिशन मिला है, 16,939। तो आप एक मोटा मोटा ऑन एन एवरेज 17,000 मान सकते हो, बट 24 के लिए आप इसको 16,000 राउंड फिगर में ले सकते हो। ओबीसी की बात करें 20,000 रैंक पे ओबीसी में ओबीसी वाले बच्चे को ऑल इंडिया रैंक 20,000 पे एडमिशन मिला है और 97,864 मिला है एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को। तो एससी और एसटी वाले बच्चों को स्पेशली काफी अच्छा बेनिफिट इस कॉलेज के अंदर आपको मिल जाएगा, और एसटी वालों को तो 1,78,000 रैंक तक यहाँ पे आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू के लिए कट ऑफ है। अगर मैं स्पेशली जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बच्चों को कंसीडर करूं तो ये कॉलेज लगभग 30,000 के अंदर क्लोज एक सेफ फिगर में हो सकते हो। अगर स्पेशली जनरल में तो नहीं होगा, बट आपका अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 34-35 तक आपको ये कॉलेज ऑप्शन मिल सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक बेसिक आइडिया देने के लिए कट ऑफ दिखाई गई है जो कि आपका लास्ट ईयर का डेटा है। प्रिसाइज फॉर्मेट में इसका एक पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जनरली स्टूडेंट्स के लिए, जब बच्चे इसको स्टडी करते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो आपको कैटेगरी वाइज एक प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगा जिसको आप देख लेंगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे हम पीडीएफ शेयर करेंगे। ऐसे और अपडेट्स आपको वहां पे चैनल पे मिलते रहेंगे तो उसको आप जरूर ज्वाइन करें। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और हमारी टीम के साथ में भी आप कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच।